रामवीर सिंह बुधरी कभी सत्ता के साथ नहीं रहे, ना सत्ता दल धारी के विधायक रहे। और इन्होंने जब सत्ता केजरीवाल की थी 47-48 दिन की, तब भी केजरीवाल से ज़्यादा काम करके दिखाए। उनको केंद्र का सहयोग मिलेगा, इन्हें यूपी सरकार का सहयोग मिलेगा, इन्हें हरियाणा सरकार का सहयोग मिलेगा, और ये अपने आप में सबल लोग हैं। केजरीवाल को धूल चटाएंगे, केजरीवाल के लोगों को भी धूल चटाएंगे, और बदरपुर में विकास दिखेगा। और जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर निराशा व्याप्त है। किसी यानी बिल्ली खंभा नोचे, ऐसे पूर्व विधायक राम सिंह नेता जी हैं, उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, पागलपन सवार है, हताश हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो लूटा हुआ धन है वो गायब भी हुआ है। 22 करोड़ तो केजरीवाल खा गया, 10-5 करोड़ जनता खा गई होगी। अब बहुत परेशान है और तरह तरह के लांछन लगाएंगे, तो उनके आरोपों का जवाब देते रहेंगे। आइए हम बदरपुर का विकास करें। अंगूठा टेक पूर्व विधायक रहा है और एक विकास पुरुष, एक पढ़ा लिखा, एक सबल, तीसरी विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक, फिर बदरपुर विकास की तरफ अग्रसर होगा। बदरपुर जनता आशा भरी नज़रों से देख रही है, और निश्चित तौर पे इनके जो कुकर्म हैं राम सिंह नेता के या इनके लोगों के, इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बदरपुर में। इनके गुंडे ये अब मथुरा रोड पार होंगे, ये हरियाणा में जाएँ वहाँ खट्टर ठोकेगा, यूपी में जाएंगे तो योगी ठोकेगा, और दिल्ली में रहेंगे तो हम ठोकेंगे। बड़ी चुनौती उनके सामने। देखिए, सनातन संस्कृति में कोई चुनाव जीतता है इष्ट देव को मनाता है और इष्ट देव को प्रार्थना करता है। निश्चित तौर पर रामवीर सिंह बुधरी जी बदरपुर के विधायक बने और सभी कार्यकर्ता हर्षोल्लास से उनकी जीत की खुशी मना रहा है। और चूँकि मेहनत किया, मेहनत के बाद परिणाम मिला, परिणाम में सबको सहभागी होना आवश्यक है। इसलिए हमारे जो निगम पार्षद रहे हैं वीरेंद्र अवाना जी, महेश अवाना जी को डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने इस खुशी के मौके पे आज ये सत्यनारायण व्रत कथा सुना। और दुआओं का दौर है, दुआएं मांगी गई थी, मन्नत मांगी गई, मन्नत पूरी हुई, कार्यकर्ता उन मन्नतों को पूरा कर।